हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज जस्ट दो दिन बाकी है जेई मेन एग्ज़ाम के लिए 2017। तो आज मैं खासकर वो सभी स्टूडेंट्स जो इस बार जेई मेन 2017 के लिए अपीयर करोगे उनके लिए एक कंटेंट को डिस्कस करना चाहता हूँ। तो एक्चुअली क्या है कि लास्ट मिनट सजेशन कहो या ट्रिक्स टेक्निक्स कहो, ये लास्ट मोमेंट में कोई ख़ास चीज़ डिस्कस करने का तो होता नहीं है। तो यहाँ मुझे जो लगता है कि मैं जिस विषय में जिस सब्जेक्ट में आप सबको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ वो ये है कि जनरली जेई मेन में जहाँ तक कट ऑफ स्कोर करने का जो बात है, तो कट ऑफ स्कोर के लिए तो उतना तो तैयारी आप लोग अपना भी प्लानिंग किए होंगे। जो इजियर टॉपिक है उसको डेफिनेटली आप अपने हिसाब से प्रिपेयर किए हो, वहाँ आप जानते हो कि विच आर द एरियाज फ्रॉम वेयर हाउ मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड यूजुअली इन लास्ट 2-3 ईयर्स ऑफ जेई मेन एग्जामिनेशन पैटर्न। तो यहाँ मैं जो चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो पूरे फिजिक्स में 11 और 12 का पोर्शन को पूरा मिला के, जेई मेन का पूरा सिलेबस मिला के, जो सबसे कॉम्प्लेक्स लगता है स्टूडेंट्स के लिए वो है डेफिनेटली वो है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स से भले ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस का उम्मीद तो नहीं है और उसको इन जनरली हम लोग कट ऑफ मार्क अवेल करने के लिए टारगेट भी करना बहुत कन्वीनियंट नहीं है, वहाँ से इजी क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, जहाँ तक अच्छा स्कोर करने का जो सवाल है, तो जेई मेन में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो ऑब्वियसली मैकेनिक्स कैन मेक दैट डिस्टिंक्शन बिटवीन टू स्टूडेंट्स। मैकेनिक्स कैन मेक द डिस्टिंक्शन दैट हु विल स्कोर टूवर्ड्स हायर एंड्स, आई मीन लाइक बेटर रैंक बेटर स्कोरिंग की तरफ किसका परफॉर्मेंस होगा, ये डिसाइड करेगा कि मैकेनिक्स वाले चैप्टर्स में से किसका क्या कंट्रोल है। तो मैं यही मैकेनिक्स में जो शुरू का चैप्टर्स है उस सब में से हर चैप्टर्स में से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा ताकि आपको एक वीडियो लेक्चर से है ना एक रिकैप करने का ऑप्शन मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो एप्लीकेशंस में सबसे पहला पॉइंट है कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। जब एडिशन ऑफ वेक्टर्स करना है, फॉर एडिंग टू वेक्टर्स, फॉर एडिंग टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो यहाँ देखो ऐसा है कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो एडिशन करना है और वहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में ज्योमेट्रिकल स्टेटस अगर ऐसे बन रहा है कि दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो तब इस दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम, जिसको रिजल्टेंट कहेंगे। और यहाँ मॉड ऑफ दिस रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट है उसका वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इस तरह से इस फार्मूला से हमको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा जहां हमको a और b पता है। फॉर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर r, फॉर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर r, वेक्टर आर का डायरेक्शन अगर हमको पता करना है तो क्या कर सकते हैं, वेक्टर ए का पोजीशन को एक्सटेंड कर दें और ज्योमेट्रिकली
अब यहाँ कह सकते हैं कि ये एंगल एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल. सो टेकिंग दिस इज ऑल्सो वेक्टर बी बिकॉज दिस टू साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. तो उस बेसिस पे मैं ये पोर्शन को बी कॉस थीटा कह सकता हूँ एंड देन दिस पार्ट कैन बी रिटन बी साइन थीटा. अब अगर इसको ज्योमेट्री करें ए ओ बी सी और इस पॉइंट को अगर पी नेमिंग कर दे तो फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी बी से लिख सकते हैं ये एंगल को अल्फा एज्यूम करके टेन ऑफ अल्फा यूजिंग द राइट एंगल ट्रायंगल बी पी बाई ओ पी. तो बी पी कैन बी रिटन एज बी साइन थीटा एंड ओ पी कैन बी रिटन ए प्लस बी कॉस थीटा. तो यहाँ से हम लोग देखो रिजल्टेंट वेक्टर का एंगुलर पोजीशन विथ वन ऑफ द नोन वेक्टर ए लिख दिए हैं टेन ऑफ अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा. तो ये जो फॉर्मूला है इसको एग्जाम हॉल में शॉर्टकट कैसे रिकॉल करना है. देखो तुमको क्या करना है, जब भी मान लो एक पैरेललोग्राम इस तरह का अवेलेबल होगा बिटवीन टू वेक्टर्स टू बी एडेड एज ए एंड बी, इतना तय है कि दोनों के बीच में अगर थीटा एंगल है तो दोनों को एडजेसेंट साइड मानते हुए जैसे ही पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल बनेगा है ना, ज्योमेट्रिकल डायगोनल जो होगा वही रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा. अब मान लो ये रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन डिफाइन करना है तो स्ट्रेटवे क्या करो कि जिसके साथ डायरेक्शन लिखना चाहते हो आइदर विद वेक्टर ए और विद वेक्टर बी. अगर वेक्टर ए के साथ लिखना चाहते हो तो एक एंगल अज्यूम कर लो लेट इट बी अल्फा और तब क्या करो एक्सप्रेशन कैसे याद करो टेन ऑफ अल्फा. तो क्या करो अल्फा एंगल वेक्टर आर का किसके साथ लिया गया है वेक्टर ए के साथ. तो जो दूसरा वेक्टर रह गया ऑफ द पैरेललोग्राम दैट इज द वेक्टर बी तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का साइन ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम लिख लो और डिनोमिनेटर में उसका हो जाएगा तब ए प्लस बी ऑफ कॉस थीटा. अगर रिजल्टेंट का एंगल मुझे वेक्टर बी के साथ बताना है तो मैं उसके साथ उसका बीटा एंगल ले सकता हूँ है ना, और तब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि टेन बीटा. तब देखो बीटा एंगल हमने किसके साथ लिया वेक्टर बी के साथ तो तब न्यूमेरेटर में लिख दो अदर वेक्टर इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन गिवन वेक्टर्स डिवाइडेड बाई बी प्लस ए कॉस थीटा. तो ये शॉर्टकट हम लोग यूज़ कर सकते हैं डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए फॉर द अननोन वेक्टर. अच्छा यहाँ एक और कॉन्सेप्ट वाली बात है कि मान लो तुमको कभी एडिशन ऑफ वेक्टर के सिचुएशन में ऐसा दिया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर और यहाँ ए और वेक्टर आर दिया हुआ है ना, वेक्टर बी नहीं दिया है तो तब हम लोग ऑब्वियसली द मैथमेटिकल रूट पे जा सकते हैं ऐसे ही सिंपल लिख देंगे वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए. अगर सिंपल बात है कि अगर ए और आर यानी जो गिवन वेक्टर है वो अगर यूनिट वेक्टर में दिया है तब तो काम आसान है. लेकिन मान लो अगर हमको आर और ए दो गिवन वेक्टर जो है वो अगर यूनिट वेक्टर में पता नहीं है तो तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यही पैरेललोग्राम लॉ का जो सब्स्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर वाला रूट है उसको अप्लाई करेंगे. तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये इसको वेक्टर आर प्लस ऑफ माइनस वेक्टर लिख सकते हैं है ना. तो उससे हम लोग वेक्टर बी को फिर इसी फॉर्मेट में जाके सॉल्व करेंगे हाँ, उसका मैंने जनरल तरीका भी बताते हैं, पहले इसको देख लो.